बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पर्सी जैक्सन सी मॉन्स्टर्स। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। 7 साल पहले 4 बच्चे उस कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं जहां सभी हाफ ब्लड रहते हैं। हाफ ब्लड उन्हें कहा जाता है जो देवताओं की और इंसानों की संतान होते हैं। अब इन बच्चों के पीछे 2 बहुत बड़ी आकृति के राक्षस पड़े होते हैं जो इन 4 बच्चों को मारना चाहते हैं, और इन बच्चों के नाम होते हैं एनाबेथ, लूक, ग्रोवर और टालिया। और जब ये 4 बच्चे कैंप के गेट तक पहुंच जाते हैं तभी वहां दोनों शैतान इनका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं, और टालिया अपने तीनों दोस्तों को बचाने के लिए उन शैतानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो अपने दोस्तों को बचा लेती है। लेकिन वो शैतान उसे पकड़ लेते हैं जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन टालिया तूफानों की देवता ज़ूस की बेटी है, इसलिए ज़ूस उसे बचाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए एक नया तरीका ढूंढते हैं। वो टालिया को एक पेड़ बना देते हैं और उस पेड़ की एक अदृश्य सुरक्षा दीवार होती है जिसके अंदर सिर्फ हाफ ब्लड जा सकते हैं। और ज़ूस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी हाफ ब्लड बच्चा टालिया की तरह ना मर सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और 3 बच्चे बड़े हो चुके हैं और आज सभी हाफ ब्लड इस कैंप के अंदर बेखौफ घूमते हैं, खेलते हैं और अपना प्रशिक्षण लेते हैं, और ये सब उस सुरक्षा दीवार की वजह से है। अब इस कैंप के अंदर एक लड़का आ जाता है और उसे देखकर वहां के सारे टीचर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस कैंप के अंदर हाफ ब्लड के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। और टीचर्स आपस में बात करते हैं कि अगर ये कैंप के अंदर आया है तो शायद ये किसी देवता की संतान है। तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि मेरे पिता का नाम पोसाइडन है। ये सुनने के बाद वहां पर पर्सी को बुलाया जाता है क्योंकि पर्सी भी पोसाइडन का बेटा है। और जब पर्सी अपने भाई को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी एक ही आंख होती है, और ऐसे लोगों को साइक्लोप्स कहा जाता है, और ये पूरी तरह से जंगली होता है क्योंकि ये हमेशा जंगल में रहा। वो पर्सी को बताता है कि मेरा नाम टाइसन है और मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। इस बात से पर्सी हैरान हो जाता है क्योंकि देवता कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिलते। उसका भाई उसे बताता है कि एक बार जंगल में मेरे सामने एक शेर आ गया और उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गया। तभी वहां पर क्लैरिस आ जाती है जो कि युद्ध के देवता की बेटी होती है, और वो टाइसन का मजाक उड़ाती है। टाइसन बोलता है मुझे सांड की बुआ रही है, और तभी सबको भूकंप के झटके महसूस होते हैं और वो समझ जाते हैं कि सुरक्षा दीवार पर कोई अटैक कर रहा है और सारे बाहर की तरफ भागते हैं। तभी ग्रोवर बोलता है कि सुरक्षा दीवार के अंदर कोई नहीं आ सकता क्योंकि इसे तोड़ना आसान नहीं है, और जैसे ही वो बोलता है वैसे सुरक्षा दीवार टूट जाती है और सामने से एक सांड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, और ये एक रोबोटिक सांड होता है। सारे बच्चे उस सांड को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। और एक पल ऐसा आता है जब वो सांड क्लैरिस को मारने वाला होता है, और क्लैरिस जो कि कुछ देर पहले टाइसन का मजाक उड़ा रही थी, टाइसन उसे बचाने के लिए उस सांड के सामने आ जाता है और क्लैरिस को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी वहां सांड बहुत तबाही मचाता है, और अब जब पर्सी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो एक पल ऐसा आता है जब पर्सी को वो सांड मारने वाला होता है। लेकिन तभी पर्सी अपनी जेब से ब्रूनर का पेन निकालता है, और सांड जब अपना मुंह खोलकर पर्सी को आग से जलाने वाला होता है, पर्सी अपना पेन उस सांड के मुंह के अंदर डाल देता है जो अंदर जाके एक तलवार बन जाती है, और इस तरह से उस सांड का खात्मा हो जाता है। अब सांड के मरने के बाद सब उस सुरक्षा दीवार के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि टालिया का पेड़ा मर रहा है। तभी पर्सी वहां पर आता है और वो बताता है कि लूक ने इसमें जहर डाला है जिसकी वजह से सुरक्षा दीवार अब बहुत कमजोर हो चुकी है और इसके अंदर अब कोई भी आ सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है, और लूक ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि डेमी टाइटन्स उसके साथ मिल जाए। अब टालिया मर रही है इसलिए सारे लोग परेशान हैं क्योंकि अगर सुरक्षा कवच टूट गया तो यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अब यहां पर पोसाइडन के बेटे के लिए एक भविष्यवाणी होती है जिसे जानने के लिए पर्सी ओरेकल्स के पास जाता है। ओरेकल्स वो होती है जो भविष्यवाणी करती है। ओरेकल उसे बताती है कि तुम्हें भविष्य जानने से पहले अतीत को जानना होगा। वो पर्सी को बताती है कि जब देवता भी नहीं थे तब दुनिया पर टाइटन्स का राज था और इन सबको क्रोनोस चलाता था जो कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, और वो इतना निर्दयी था कि वो अपने बच्चों को खा जाया करता। लेकिन उसके 3 बेटे ज़ूस, पोसाइडन और हेडिस भाग निकले और उन्होंने क्रोनोस को मार दिया और उसके शरीर को टॉर्टरस की गहराइयों में दफना दिया। पर क्रोनोस फिर से वापिस आएगा और दुनिया और ओलंपस के देवताओं से बदला लेगा, और ज़ूस, पोसाइडन और हेडिस में से किसी एक की संतान क्रोनोस को मार सकती है, और वो संतान हमें बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी। और ये सब तब होगा जब पोसाइडन का बेटा और वो हाफ ब्लड जिसने लाइटनिंग बोल्ट चुराया था वो फ्लीस के लिए आपस में लड़ेंगे, और लाइटनिंग बोल्ट लूक ने चुराया था। अब ये सारी बातें पर्सी ब्रूनर यानी कायरोन को बताता है। वो बोलता है कि ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है क्योंकि ज़ूस, पोसाइडन और हेडिस इन तीनों के बच्चों में सिर्फ तुम ही जिंदा हो। पर्सी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि इन देवताओं के घर ओलंपस को मैं बचाई ना। कायरोन बोलता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब वहीं एनाबेथ टालिया के पेड़ को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ लेती है कि गोल्डन फ्लीस टालिया के पेड़ को मरने से बचा सकता है,
और वो ये बात मिस्टर डी को बताती है कि गोल्डन फ्लीस किसी भी इंसान या चीज को ठीक कर सकता है, टालिया के पेड़ को भी। और एक बार टालिया का पेड़ ठीक हो जाए उसके बाद सुरक्षा कवच भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मिस्टर डी बोलते हैं कि जो भी फ्लीस के पीछे गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो राक्षसों के समंदर में है जिसे इंसान बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं, और वो एक ऐसी जगह है जिससे हर कोई डरता है। और मिस्टर डी एनाबेथ और ग्रोवर को मना कर देते हैं कि तुम वहां नहीं जाओगे, पर मिस्टर डी बाद में सबके सामने ऐलान करते हैं कि टालिया को बचाने का एक ही तरीका है और वो है फ्लीस। वो कहते हैं कि हमें टालिया के पेड़ को बचाने के लिए फ्लीस को हासिल करना होगा। दरअसल मिस्टर डी सबको ये दिखाना चाहते हैं कि ये आइडिया उनका है, और वो युद्ध के देवता की बेटी क्लैरिस को फ्लीस लाने की जिम्मेदारी देते हैं। पर्सी क्लैरिस को बोलता है कि लूक भी फ्लीस के पीछे जा रहा है, पर क्लैरिस उसकी बात नहीं सुनती और उसका मजाक उड़ाती है, और वो अपने साथी के साथ फ्लीस को लेने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर भी फ्लीस को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि ओरेकल ने भविष्यवाणी की थी कि या तो पर्सी देवताओं के घर ओलंपस को बचा पाएगा या वो उसे नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वो ओलंपस को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है, और जब वो जा रहे होते हैं तो टाइसन भी उनके साथ आ जाता है। हालांकि एनाबेथ नहीं चाहती कि टाइसन उनके साथ जाए, पर ग्रोवर के कहने पर वो टाइसन को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो कैंप से बाहर निकलते हैं और एनाबेथ एक सीटी बजाती है और वहां पर एक उड़ती हुई कार आती है। एनाबेथ बताती है कि ये भूतों का रथ है और वो सब उसमें बैठ जाते हैं, और जो इसे चला रहे होते हैं वो इन चारों को फ्लोरिडा छोड़ देते हैं। अब यहां पहुंचने के बाद लूक के कुछ लोग ग्रोवर को अगवा कर लेते हैं। एनाबेथ बोलती है कि मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि हम कहां से पता कर सकते हैं कि लूक कहां है। और वो एक कुरियर सर्विस के यहां जाते हैं। वहां पर वो लूक के डैड से मिलते हैं और लूक का पता पूछते हैं। उसके डैड भी उससे परेशान है। वो इन्हें लूक का पता बता देते हैं और साथ में एक मैजिकल टेप भी देते हैं और कहते हैं कि जहां पर भी तुम इस टेप को लगाओगे वो जगह गायब हो जाएगी, और एक बॉटल भी देते हैं और कहते हैं कि ये समंदर में तुम्हें बहुत काम आएगी। अब ये वहां से निकल जाते हैं। लूक एक शिप पर होता है जो समंदर के बीच में होता है। अब सवाल यह है कि ये सब वहां तक पहुंचे कैसे। तभी टाइसन समंदर के पास जाता है और अपने डैड पोसाइडन से बोलता है कि हमारी मदद करो, हमें उस शिप तक जाना है। और समंदर के अंदर से एक समुद्री घोड़ा निकलता है और इन तीनों को लूक के शिप तक ले जाता है, और शिप पर पहुंचने के बाद इस शिप में अपने दोस्त ग्रोवर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर वहां लूक के साथ कुछ और हाफ ब्लड भी होते हैं जो उन्हें देख लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। पर्सी लूक से पूछता है कि ग्रोवर कहां है। वो उसे बताता है कि उस शिप पर नहीं है, वो राक्षसों के समंदर यानी बरमुडा ट्रायंगल में है। मैंने अपने कुछ लोगों के साथ उसे वहां भेजा है। पर्सी पूछता है कि तुम हमें फ्लीस लेने से क्यों रोक रहे हो। लूक बोलता है कि मुझे भी फ्लीस की जरूरत है, और वो उन्हें वो बॉक्स दिखाता है जिसमें क्रोनोस का मरा हुआ शरीर है। क्रोनोस ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस का पिता है जिसे इन तीनों ने मिलकर मार दिया था, क्योंकि वो अपने ही बच्चों को खा जाता था। और लूक फ्लीस की मदद से क्रोनोस को दोबारा जिंदा करना चाहता है ताकि वो देवताओं के घर ओलंपस को तबाह कर दे और सारे देवताओं को मार दे। एनाबेथ को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि टालिया तुम्हारी दोस्त थी, उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी थी और हम फ्लीस से टालिया की जान बचा सकते हैं। दरअसल बचपन में जो चार बच्चे कैंप की तरफ भाग रहे थे वो लूक, एनाबेथ, ग्रोवर और टालिया जो कि अब पेड़ बन गई है, ये सब होते हैं। लूक बोलता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या है, वो भी साइक्लोप्स के साथ रह के। सबसे ज्यादा निराश तो तुमने मुझे किया है। लूक ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि टालिया को जिन्होंने मारा था वो साइक्लोप्स ही थे। अब लूक इन तीनों को जेल में बंद कर देता है, पर जो मैजिकल टेप लूक के पिता ने पर्सी को दी थी वो उस टेप को सलाखों के चारों तरफ लगाता है और वो सलाखें गायब हो जाती हैं, और ये सब जेल से बाहर निकल जाते हैं और बोट से राक्षसों के समंदर यानी बरमुडा ट्रायंगल तक पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो इनकी बोट के चारों तरफ बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं। अब ये दोनों पोसाइडन के बेटे होते हैं, लेकिन यहां पर इनका जादू काम नहीं करता, पानी इनको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये राक्षसों का समंदर है और यहां पर पोसाइडन का कंट्रोल नहीं होता। अब धीरे धीरे शार्क्स इनकी बोट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है और इन्हें एहसास होता है कि ये एक राक्षस का मुंह है, और इनकी बोट उसके अंदर चली जाती है। और अब ये सब के सब राक्षस के पेट के अंदर हैं। ये अंदर से बहुत विशाल होता है और बरमुडा ट्रायंगल में जो भी चीजें गायब होती हैं वो सब यही होती हैं। तभी वहां पर उन्हें क्लैरा की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि क्लैरा भी अपने शिप के साथ इसी समंदरी राक्षस के पेट में होती है, और बहुत जल्दी सब मरने वाले हैं क्योंकि ये राक्षस इन सबको अपने पेट के अगले हिस्से में ले जाने वाला है, पर इससे पहले कि ये उन्हें उस हिस्से में पहुंचाता, पर्सी, टाइसन और एनाबेथ क्लैरा के शिप में चले जाते हैं और वो इस समुद्री राक्षस का पेट फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब ये एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर वो फ्लीस है जिसे लेने के लिए सब यहां पर आए हैं। अब जब ये उस टापू के नीचे एक सुरंग में जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा साइक्लोप्स होता है, और वहां पर ग्रोवर भी होता है जो साइक्लोप्स का भेष बनाकर वहां पर साइक्लोप्स की सेवा कर रहा होता है और फ्लीस चुराने की कोशिश भी कर रहा होता है। वो भेष इसलिए बदलता है क्योंकि अगर साइक्लोप्स को पता चल गया कि ये साइक्लोप्स नहीं बल्कि एक हाफ ब्लड है तो वो इसे खा जाएगा, पर साइक्लोप्स इसे पहचान नहीं पाता क्योंकि भूख से उसकी नजर कमजोर हो चुकी है। अब जो फ्लीस यहां पर लेने के लिए आए हैं वो साइक्लोप्स के कंधे पर होता है
और पर्सी बड़ी चालाकी से उस फ्लीस को उसके कंधे से उठा लेता है, पर साइक्लोप्स को पता चल जाता है और वो इन्हें मारने और अपना फ्लीस इनसे वापस लेने की कोशिश करता है, पर ये सब वहां से भाग जाते हैं और गुफा का मुंह पत्थर से बंद कर देते हैं। पर जब ये बाहर निकलते हैं तो वहां पर लूक अपने साथियों के साथ आ जाता है। लूक पर्सी को बोलता है कि मैं इस फ्लीस को लेना चाहूंगा। पर्सी बोलता है लेकिन तुम ले नहीं पाओगे, और लूक एरो गन से उस पर फायर करता है, पर टाइसन पर्सी के सामने आ जाता है और एरो उसे लग जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है जहां पर पानी होता है। अब लूक फ्लीस उससे छीन लेता है और जिस बॉक्स में क्रोनोस की बॉडी होती है वो फ्लीस को उस बॉक्स के ऊपर रख देता है ताकि वो जिंदा हो जाए। यहां पर्सी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसका भाई मर चुका है और उसने कभी उसे भाई कहकर नहीं बुलाया। पर्सी बोलता है कि ओरेकल ने सही कहा था, मेरी वजह से ओलंपस खत्म भी हो सकता है और अब ओलंपस खत्म हो जाएगा। पर एनाबेथ, ग्रोवर और क्लेरिस उसे आत्मविश्वास दिलाती है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। अब ये चारों लूक और उसके साथियों से फ्लीस वापस लेने के लिए उनसे लड़ते हैं, और जब पर्सी और लूक लड़ रहे होते हैं तभी पर्सी की तलवार लूक के हाथ में आ जाती है, और जैसे उसे मारने वाला होता है पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, और जब लूक पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर टाइसन होता है, वो जिंदा होता है। वो लूक को एक हाथ से उठाकर फेंक देता है। पर्सी बोलता है कि तुम बच कैसे गए? वो कहता है पानी से, क्योंकि मेरे पिता पोसाइडन है। पर्सी उसे गले लगा लेता है और थैंक्स कहता है। अब जिस बॉक्स में क्रोनोस की बॉडी होती है उसमें ब्लास्ट होता है और क्रोनोस जिंदा हो जाता है। लूक क्रोनोस के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपको जिंदा किया, मैं आपको वापस लाया हूं, और मेरा नाम लूक है, मैं आपका पोता हूं। क्रोनोस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, उसे उठाता है और अपने मुंह के अंदर डालकर निकल जाता है। इसके बाद वो ग्रोवर को भी निकल जाता है। अब पर्सी के पास जो तलवार होती है वो उसके पिता पोसाइडन की होती है, और जब वो उस तलवार से उसके पैर पर प्रहार करता है तो उसका पैर पानी बनकर वापस उसी बॉक्स में चला जाता है जहां से क्रोनोस बाहर आया था। पर्सी को एहसास होता है कि ये वही शापी तलवार है जिससे क्रोनोस को खत्म किया जा सकता है, और ये बात उसे ओरेकल ने बताई थी कि क्रोनोस की आत्मा एक तलवार से शापित है। क्रोनोस बोलता है कि ये तो शापी तलवार है, और इसके बाद पर्सी उस तलवार को क्रोनोस के सीने में गाड़ कर उसके पूरे शरीर को चीर देता है, और क्रोनोस का पूरा शरीर पानी बनकर वापस उसी बॉक्स में चला जाता है जहां से वो आया था, और ग्रोवर और लूक भी उसके पेट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन लूक वहां से सीधा उस साइक्लोप्स की गुफा में जाकर गिरता है जहां से फ्लीस चुरा के लाए होते हैं, और वो साइक्लोप्स उसे देखकर बोलता है कि हाफ ब्लड, वो भी बिल्कुल खाने के वक्त पर। और इसके बाद लूक का क्या होता है किसी को नहीं पता। अब वही बार ये दिखाते हैं कि वहां पर लूक का एक बहुत भयंकर जानवर भी होता है जो अपनी पूंछ से एनाबेथ को मार देता है, पर क्लेरिस उस जानवर की पूंछ काट देती है जिससे वो मर जाता है, और एनाबेथ जो कि उस जानवर के मारने से मर चुकी है जब उसके ऊपर फ्लीस को रखते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाती है। एनाबेथ के जिंदा होने से सबको बहुत खुशी होती है। पर्सी बोलता है कि आज जिसको जितनी बार मरना वो मर सकता है क्योंकि हमारे पास फ्लीस है, और अब ये फ्लीस को लेकर वापस कैंप आ जाते हैं, और जब वो फ्लीस को टालिया के पेड़ पर रखते हैं तो उसका पेड़ दोबारा से हरा होना शुरू हो जाता है और सुरक्षा कवच एक बार फिर से बन जाता है, और टालिया जो कि एक पेड़ बन चुकी होती है वो फ्लीस के असर से पूरी तरह से जिंदा हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो कहते कि मैंने सपना देखा था कि मैं मर रही हूं। पर्सी बोलता है कि तुम कौन हो? वो कहती मैं टालिया हूं, ज्यूस की बेटी। यानी अभी भी वो भविष्यवाणी जो ओरेकल्स ने की थी कि तीनों बड़े देवताओं में से किसी एक की संतान हमारे विनाश का कारण हो सकती है और हमें बचा भी सकती है, वो भविष्यवाणी अभी भी हो सकती है, क्योंकि टालिया भी एक बड़े देवता ज़ूस की संतान होती है, और भविष्यवाणी के हिसाब से तीनों बड़े देवताओं में से किसी एक की संतान इंसानों को और ओलंपस को यानी देवताओं को उन्हें बचा भी सकती है और उनके विनाश का कारण भी बन सकती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।